नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में मंगलवार को 8वें दिन भी जनपद में उपखंड स्तर पर 9 जगह पर पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत शाम के 5 बजे से विरोध सभा हुई। मोहम्मदाबाद सब डिवीजन पर सभा को संबोधित करते संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोग भी निजीकरण का पुरजोर तरीके से विरोध करें ताकि ये राक्षस रूपी निजीकरण का अंत हो सके। इस मौके पर जूनियर इंजीनियर संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव, जिला संरक्षक शिवदर्शन सिंह, सहायक अभियंता शत्रुघ्न यादव, अपर अभियंता कुड्डू चौहान, चित्रसेन प्रसाद, रवि चौरसिया, अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। गौर से देखिए इस वीडियो को। यह नजारा है गाजीपुर के रोजा पर स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का। लगभग 2 माह से काफी लंबा चौड़ा परिसर झील के रूप में तब्दील है। इससे यहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। पानी के बीच ईंट रखकर वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह कक्षा सहित कार्यालयों में आ जा रहे हैं। इस दौरान उनके मन में गंदे पानी में गिरने का भय भी बना रहा। इस जल जमाव में बारिश के साथ ही बगल में स्थित गढ़ही पानी भी मिक्स है। इससे पानी से बदबू आ रही है जिससे लोगों को संक्रामक बीमारी का भय सता रहा है। कॉलेज के अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अधिकारी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है जिससे लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। ग्राम प्रधानों की बैठक मंगलवार सदर ब्लॉक के सभा कक्ष में हुई। इस मौके पर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भयंकर सिंह यादव ने कहा कि आज 16 ब्लॉकों में बैठक चल रही है। लंबित भुगतान एवं शौचालय का सत्यापन 5 बार करा लिया गया है, उसके बाद भी प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गांव के विकास के पैसे को नाली खड़ंजा जल निकासी के लिए आदेश जारी किया जाए। ग्राम प्रधानों पर जो हमले हो रहे हैं उसे रोका जाए। कहा कि ग्राम प्रधानों की बातों को प्राथमिकता दी जाए और जब तक मांगों का निस्तारण नहीं होगा तब तक कार्य का बहिष्कार चलता रहेगा। बैठक के अंत में ग्राम प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी को 5 सूत्री मांगों का पत्रक सौंपा। बैठक में भोला यादव, रमेश यादव, नंदलाल विश्वकर्मा, विनय कुमार, मनोज यादव, शिव मूरत राम, राम दुलार, गिरिजा शंकर आदि मौजूद रहे। महामारी कोविड-19 के लिए साहसिक सामाजिक कोरोना वॉरियर्स को इस ऐतिहासिक मजार स्थल कोट पर सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र कमसार के संस्थापक महापुरुष की स्मृति में स्थापित संस्था दादा नरहर खान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन खान एवं प्रबंधक सचिव मोहम्मद मतीन खान तथा सदस्यों द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष सामाजिक योगदान के लिए वरिष्ठ पत्रकार शौकत खान, नसीम खान, इजहार खान, मारूफ खान, शहजाद खान, हैदर खान तथा समाज सेवी बाबर खान को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्यों में अबू बकर खान उर्फ बेचन, अफरोज खान, जिला परिषद सदस्य जमशेद खान, गुफरान खान प्रधान, कुंवर मोहम्मद नसीम रजा खान, दस्तगीर खान, सदरे आलम खान, हुमैल खान, हाफिज वसीम आदि उपस्थित रहे। बहरियाबाद थाना पुलिस ने 48 घंटे में ही क्षेत्र के चक फरीद गांव निवास कार्यवाहक पूर्व प्रधान नूर मोहम्मद हत्याकांड का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल कर ली है। मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हत्यारोपी किशोर को मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी ने बताया कि अप्राकृतिक संबंध बनाने के प्रयास में कार्यवाहक पूर्व प्रधान की हत्या इसी गांव के किशोर ने धारदार हथियार से वार करके कर दी थी। एसपी ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपी किशोर ने बताया कि बीते 6 सितंबर की भोर में करीब 4:27 पर मृतक नूर मोहम्मद ने फोन कर मुझे बुलाया और मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। इस पर मैंने अपने दाहिने बाह के शर्ट के नीचे छुपा कर रखे मुठिया लगे धारदार हथियार से जान से मारने के नियत से उसके पेट में घोप कर घायल कर दिया। इसके बाद फरार हो गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक राम निवास, अनिल कुमार गौतम, अजय कुमार पटेल, उप निरीक्षक होरिल यादव, उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राणा प्रताप शामिल थे। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5,000 पुरस्कार की घोषणा की है। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।